वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 8 लीवर एंड सिंपल मशीन्स, और इसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके, आप लोग हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन को फॉलो करो। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लेना, और कुछ लोग जो है सो टेलीग्राम ग्रुप शायद उनके मोबाइल में नहीं है या वो लिंक नहीं खोज पाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ नहीं मिल पाता है या मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ। तो उन लोगों के लिए जो है सो मैं फेसबुक पेज पे भी पीडीएफ का लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग क्या करना, फेसबुक पेज पे जाकर के वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जो भी पीडीएफ वहां जाता है। ओके, और कोई कुछ पूछना हो आप लोगों को जेन्युइन, आप लोग इस कॉन्टेक्ट मेल आईडी पे पूछ लेना या फेसबुक पेज पे जाकर के मैसेज करना, और वहां पे फॉलो कर लेना या लाइक कर लेना पेज को। इससे फायदा यही होता है कि कोई सा भी पोस्ट अगर जाएगा तो अगर आप लाइक किए हुए रहोगे तो आप जैसे ही फेसबुक खोलोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये देखो, ये डीजीटी के साइट का सिलेबस है लीवर और सिंपल मशीन्स का, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और हर वीडियो में दिखा देता हूं ताकि अंदाजा लग जाए कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसमें आपको लीवर के बारे में लगभग सारा का सारा थ्योरी करवा दिया था, और आज जो है हम लोग बात करेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में। देखो, मैंने लीवर इसलिए पहले करवाया था, वैसे अगर बात किया जाए तो मुझे सबसे पहले सिंपल मशीन करवाना चाहिए था, उसके बाद लीवर करवाना चाहिए था, क्योंकि लीवर जो है सो सिंपल मशीन का ही एक पार्ट है। लेकिन मैंने लीवर इसलिए करवाया था कि काफी लोगों का डिमांड था कि सर लीवर करवाइए, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सारा थ्योरी आपको बता दिया था, और 8.1 जो है सो सच में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहां पे मैंने जो आपको ट्रिक बताया था एक फर्स्ट लव इज इफेक्टिव करके, वो आप लोग याद कर लेना, हो सकता है वहां से आपको क्वेश्चन आ जाए और किस टाइप का लीवर का क्या एग्जाम्पल होता है उससे। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल मशीन के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिंपल मशीन होता क्या है, थ्री इडियट मूवी देखे होगे, मशीन का डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा। कोई भी वह चीज जिसके हेल्प से हम लोगों को एनर्जी कम लगे, टाइम हम लोग का सेव हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं वो मशीन है। ओके, कोई सा भी डिवाइस, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी जिसके हेल्प से हम लोगों को कम एनर्जी लगे, हम लोग आसानी से अपना टाइम सेव कर सके, या एनर्जी जो होता है उसका वर्क में कन्वर्जन हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो मशीन है। ओके, और जनरली ये भी आप याद ही रखना, क्योंकि हो सकता है क्या पता क्वेश्चन में क्या आ जाए कि सिंपल मशीन मेनली 6 टाइप का होता है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना कि अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है कि हम लोग को जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है रेलवे के द्वारा, या हम लोग जो पढ़ाई करते हैं सिंपल मशीन, तो उसमें कितना टाइप बांटा गया है, तो हम लोग इसका आंसर कर देंगे 6 टाइप। ओके, और कौन सा है आप लोग ये नाम देख लो, व्हील एक्सेल है आपका, लीवर है, इंक्लाइन प्लेन है, स्क्रू है, पुली है, और द वेज है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लो, और मैं आपको आज का जो लेक्चर है उसमें आपको इसी के बारे में अच्छे से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पहले चीजों को आप समझ तो जाओ अच्छे से, फिर इसके बाद आप आगे बात करना प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सिंपल मशीन के बारे में एक दो लाइन आप लोग देख लो क्या होता है, कि सिंपल मशीन एक ऐसा टूल होता है जो आपका कोई भी काम को आसान बना देता है, उसके पास मूविंग पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि लीवर के केस में मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल एक डंडा होता है और एक पत्थर को लेकर के यहाँ पे लगा के इसको फलक्रम बना करके और हम लोग अपना काम कर सकते, तो ये भी मशीन है। ऐसा नहीं कि ये मशीन नहीं है, ये भी मशीन है, तो यहाँ पे तो कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो आपका क्या है कि मशीन के केस में जरूरी नहीं है कि मूविंग पार्ट हो, मूविंग पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, और मशीन का काम क्या है, ये आपको एनर्जी को जो है सो वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिंपल मशीन गिव्स अस एन एडवांटेज बाय चेंजिंग द अमाउंट, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सब के हिसाब से हम लोग अपना काम कर लेते हैं। मशीन के हेल्प से क्या होता है, कम फोर्स लगा करके हम लोग ज्यादा फोर्स के बराबर का काम कर लेते हैं। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, और मशीन के हेल्प से जो हम लोगों का एफर्ट बच जाता है, जो हम लोग का टाइम बच जाता है, जितना एनर्जी हम लोग बचा लेते हैं, वही सारा हम लोग का कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मशीन के बारे में था। अब देखो, मैंने आपको 8.1 में जो बताया था उसमें जितना भी फिगर आप देख सकते हो, वो सारा फिगर आज के लेक्चर में हम लोग जितना भी फिगर देखेंगे, वो सारा फिगर, ठीक है, ये सारा का सारा मशीन है। आप ये देख सकते हो, ये कील को मैं अगर आपको बोलूंगा हाथ से निकालो,
तो आपको काफी ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन आप इस तरह का हैमर का यूज करके इसे फंसा करके हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो ये मशीन हुआ, ये मशीन है, ये मशीन है, सबका सब मशीन है जो हम लोग का टाइम सेव करे वो मशीन है। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रहा है मशीन का, तो दो चार टर्म है जो हम लोगों को जानना पड़ेगा, और हो सकता है आपका जब लेक्चर 8.3 आए तो वहां पे आपको ये काफी काम आएगा। तो वर्क, वर्क क्या होता है, तो वर्क आपको पता ही है कि हम लोग कोई भी फोर्स लगाते हैं और उस डायरेक्शन में जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है हम लोग का वर्क कहलाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर कॉस्ट थीटा भी होता है, तो जी हाँ कॉस्ट थीटा होता है, लेकिन वहां पे होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बनता है, जहाँ पे नहीं बने वहां पे कहाँ से लेके आ जाओगे कॉस्ट थीटा। कॉस्ट थीटा का वैल्यू वहां पे 1 हो जाता है क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, आप लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़े होगा तो ये सारा चीज आपको आता होगा। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इसका मेजरमेंट अगर आप लोग करोगे तो ये जूल में निकलता है हम लोग का, ठीक है। चलो लोड क्या होता है ये आपको पता ही चल गया था, पिछला लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया था कि मशीन के हेल्प से जो कुछ भी हम लोग उठाते हैं ऊपर की तरफ वही मेरा लोड है। एफर्ट क्या है, तो अप्लाइड फोर्स को या इनपुट फोर्स को हम लोग एफर्ट बोलते हैं, ये सारा आपको पता चल गया होगा। लोड और एफर्ट तो आप लोग अच्छे से जान गए होंगे अगर लेक्चर 8.1 देखे होंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया ना कि 6 टाइप्स होता है आपका सिंपल मशीन्स का, तो ये सारा टाइप्स देखो इसको दो ग्रुप में हम लोग बांट देते हैं। एक बांट देते हैं इंक्लाइंड प्लेन और एक बांट देते हैं लीवर, ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन को ही आप रैंप से भी समझ सकते हो, तो ये रैंप आपका, ये वेट, ये स्क्रू, ये सारा में मतलब इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट यूज होता है। और ये आपका लीवर, ये व्हील है एक्सेल, ये आपका पुली, ये सारा में लीवर का कंसेप्ट यूज होता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे हम लोग दो ग्रुप में बांट देते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन्स और एक लीवर्स। तो आप लोग इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसका पीडीएफ आपको फेसबुक पेज पे चला जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी चला जाएगा, तो वहां से आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक के बारे में, हम लोग देखेंगे आज का जो लेक्चर है कम्प्लीट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि लीवर और सिंपल मशीन में हम लोगों को किस किस चीज से पाला पड़ने वाला है, क्या क्या हमको जानना है। और जब ये सारा चीज आप जान जाओगे, समझ जाओगे, तब नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा तो आपको काफी आसानी से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं पुली का प्रॉब्लम बताऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पुली होता क्या है, तो आप कैसे कर लोगे कोई भी चीज। पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि पुली क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, व्हील क्या होता है, पहले ये तो जान जाओ। तो देखो ये इंक्लाइन प्लेन है। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, तो मैं आपको एक दो चीज बता रहा हूँ कि मान लो कुछ है ऐसे करके है, ठीक है, उसी तरह से ऐसे करके है, ये ज्यादा इंक्लाइन है, ऐसे करके है, ऐसे। और मैं आपको बोलूंगा कि ये 10 kg का जो ब्लॉक है मेरा, ये इसको आपको ऊपर खींचना है। तो अगर ये ज्यादा इंक्लाइन रहेगा ना, जैसे कि मान लो ये आपका 70 डिग्री पे उठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन अगर ये आपको मान लो 30 डिग्री पे ही है तो आपको थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा, मतलब इसमें आप आसानी से ऊपर खींच लोगे। तो आप क्या समझ रहे हो कि अगर मेरा ये लोअर हाइट और ये ज्यादा वाला जो हाइट है, इस दोनों के बीच में अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस मेरा हो जाएगा और कम एंगल पे रहेगा, स्टीपर रहेगा, तो हम लोग को कम फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को ऊपर मूव करवाने के लिए। अगर मेरा ज्यादा एंगल पे रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। आपको एक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा कंसेप्ट कि मान लो कि ये 10 kg का फोर्स यहाँ पे है और आप यहाँ पे खड़े हो और आपको ये ऊपर की तरफ उठा करके यहाँ पे लाना है, आपको काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले आके रस्सी के सहारे, रोप के सहारे यहाँ पे आसानी से खींच करके इतना ऊंचा हाइट पे लेके आ सकते हैं। तो यही कंसेप्ट हो रहा है, इसीलिए ये भी मेरा मशीन हुआ। समझ में आ रहा है आपको बात कि इंक्लाइन प्लेन का यूज देखो कैसा होता है, कि अगर आप डायरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लाओगे, इतना ऊपर उठाओगे, तो आपको काफी ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से स्लाइड करवाओगे तो आसानी से आ जाएगा आपका। तो ये हो गया फायदा। उसी तरह मैंने आपको लीवर के केस में भी बताया था कि अगर इसको यहाँ पे ला करके, यहाँ पे अगर मान लो किसी मशीन के हेल्प से अगर हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको आप स्लाइड करने के लिए छोड़ दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके जो है यहाँ आ जाएगा। इतना सारा डिस्टेंस ये कवर कर लिया। समझ में आ रहा है। तो हाई लोड जब होता है उसका ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करवाने के लिए भी इंक्लाइन प्लेन का यूज होता है। या अगर मुझे आपको किसी लोड को ऊपर की तरफ ले जाना है तो हम लोग इंक्लाइन सरफेस का सहारा लेते हैं। तो ये हम लोग का मशीन का काम कर रहा है।
और इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं समझना है, अभी सिर्फ मैं समझाने के लिए ये फिगर यहाँ पे पुट किया हूँ। जब इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। और ये सारा चीज है, आप लोग इसको रीड कर लेना। इनक्लाइंड प्लेन्स मेक्स द वर्क ऑफ मूविंग थिंग्स इजियर, अलाउ अस टू रेज एन ऑब्जेक्ट विथ लेस एफर्ट, है ना। देन इफ वी लिफ्टेड इट डायरेक्टली अपवर्ड, अगर हम लोग डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेंगे उससे काफी कम फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा अगर इसको हम स्लाइड करवाएंगे तो। ओके, अकॉर्डिंग टू द आपका इनक्लाइंड सरफेस के हिसाब से वी वुड नीड लेस एनर्जी और फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट विथ एन इनक्लाइंड प्लेन। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से ये ट्रेड ऑफ जो होता है ये कुछ होता नहीं है, इसका मतलब सामंजस्य स्थापित करना होता है। कि कहते हैं ना कोई चीज को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को बढ़ाते हैं तो किसी चीज को घटाएंगे, मतलब सामंजस्य स्थापित करना बोलते। इसमें आपको यही बोला गया है कि अगर आपको और कम एफर्ट लगाना है, अगर आप चाहते हो कि मुझे और कम फोर्स लगाना पड़े, हम लोग क्या करेंगे इसको जो है सो आपको थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस के लिए आपको ट्रेवल करवाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है मेरा 10 मीटर है, इतना हाइट पे ले गए, ये मान लो 60 डिग्री है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे थोड़ा और कम फोर्स लगाना है, तो ये 30 डिग्री मैं बना देता हूँ इस तरह से। इतना हाइट गेन करने के लिए मुझे ये थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, तो मान लो ये 10 मीटर गया तो हो सकता है ये मेरा 20 मीटर हो जाए मान लो। तो क्या देख रहे हो कि इसमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाए तो कम डिस्टेंस कवर करके ही इतना हाइट गेन कर लिए, इसमें थोड़ा कम फोर्स लगाए तो मुझे इतना हाइट गेन करने के लिए क्या करना पड़ा, इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। और ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा तभी आपको प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगा। तो लॉन्गर द डिस्टेंस इजियर इट इज टू डू द वर्क, समझ सकते हो, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम एंगल उतना कम इंक्लाइनेशन उतना आसानी से हम लोग लेकर के चले जाएंगे। और ये सारा चीज है, बट इसका एक प्रॉब्लम क्या है, वही वाला बात कि ज्यादा डिस्टेंस पे ले जाओगे तो थोड़ा सा आपका ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपका टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा। ओके, तो समझ गए होगे आप लोग। चलो अब देखो, इंक्लाइन प्लेन का बात हो रहा है तो ये रैंप, ये स्लैंटेड रॉड, पाथ अप अ हिल, ये स्लाइड, ये सारा चीज आपका इंक्लाइन प्लेन का ही कंसेप्ट है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखो आप वेज के बारे में बात कर लेते हैं, इसका मतलब कील निकलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कील हो। और इस फिगर सबको आप ध्यान से देखो क्योंकि प्रॉब्लम जब बनाएंगे तब आपको इसका ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे दो इनक्लाइंड सरफेस है, देखो ये देखो आप यहाँ पे देखो दो इनक्लाइंड सरफेस है। उसी तरह से आपको कोई फिगर ऐसा मिलेगा जहां पे एक इनक्लाइंड सरफेस होगा। और ये सारा चीज का यूज हम लोग किस चीज में करते हैं, किसी को कट करने में, सेपरेट करने में, अलग अलग करने में, या तो ये सब है आपका, ये भी एक तरह का मशीन ही है। और इसके बारे में एक दो लाइन आप लोग अच्छे से देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि द वेज इज यूज टू सेपरेट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज नीडेड टू कट टीयर और ब्रेक समथिंग इन टू टू, अ वेज कैन ऑल्सो बी यूज टू कीप थिंग्स टूगेदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग काटने के लिए, अलग अलग करने के लिए, बांटने के लिए ही यूज करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि आप ये देखो ना, ये पिन है, और ड्राइंग बोर्ड आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ड्राइंग बोर्ड में जब ड्राइंग शीट रखते हैं तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को अटैच करके रखते हैं। तो ये भी हम लोग का काम होता है, सेपरेट भी करते हैं और अटैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देखो तो आप लोगों को जो है सो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये जो है आपका सेपरेट करने वाला, ये सारा चीज है नीडिल, सॉ, पिकैक्स, एक्स, नाइफ, ये सारा चीज आपका सेपरेट करने वाला है। उसी तरह से नेल, टैक, पुश पिन, स्टेपल, असीम, डूर स्टॉप, ये सारा चीज आपको टुगेदर करने वाला है, मतलब होल्ड करके रखने के लिए। ठीक है, दो चीज को होल्ड करने के लिए ये सारा चीज यूज होता है। और ये नोट करके मैंने आपको एक चीज लिख दिया है ताकि आप लोग इसको और अच्छा से समझ में आ जाए कि जनरली इट कैन बी एनीथिंग दैट स्प्लिट्स, कट्स और डिवाइड्स अनदर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर आल्सो। तो यह सारा चीज था वेट के बारे में, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये भी आपका एक मशीन है। और आप जो है सो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये नाइफ, एक्स, टीथ, फॉर्क, नेल, ये सारा का सारा आपको वेट का एग्जाम्पल है और ये भी आपका मशीन है। ओके चलो, और यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं तीसरा टाइप के बारे में,
पढ़ने के लिए, और ये स्क्रू है। अब देखो कुछ लोग स्क्रू का मतलब सिर्फ ये वाला स्क्रू समझते हैं जो आपको ये फिगर में दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही स्क्रू होगा। और अभी जो हम लोग पढ़े थे ना ये इंक्लाइन वाला, ये सारा चीज पढ़े थे ना इंक्लाइन वाला, तो यहाँ पे भी ये इंक्लाइन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ यही है कि इंक्लाइन के साथ साथ सर्कुलर कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये स्क्रू आप लोग को देख करके पता चल गया होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसमें स्क्रू का कंसेप्ट है? इसमें स्क्रू का कंसेप्ट है तो जी हाँ, इसमें भी स्क्रू का कंसेप्ट है। ये जो आप ये ढक्कन देख रहे हो, इसका कैप, ये जो बंद करते हैं जार को, जार लीड इसको बोलते हैं, इसको आप घुमाओगे तब ये बंद होगा। तो इसके अंदर जो ये शेप बना हुआ रहता है जिसकी वजह से ये बंद होता है, इसके अंदर यहाँ पे देखो यहाँ पे जिसकी वजह से ये आपका ओपन क्लोज होता है, ये सारा भी स्क्रू का एग्जाम्पल है। तो द स्क्रू इज रियली अ ट्विस्टेड इनक्लाइंड प्लेन। देखो ध्यान से यहाँ पे ट्विस्टेड इनक्लाइंड प्लेन, इट अलाउज मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पोजिशन टू अ हायर पोजिशन। यहाँ पे भी आप लोग ध्यान रखना इस लाइन को, क्योंकि अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो वहां पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इट अलाउज मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पोजिशन टू अ हायर पोजिशन, बट एट द सेम टाइम इट मूव्स इन अ सर्कल ऑल्सो, दैट मेक्स इट टेक्स अप अ लेस हॉरिजॉन्टल स्पेस अ स्क्रू। अब देखो ये क्या होता है, आप लोग सीढ़ी देखे होंगे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने का सीढ़ी देखे होंगे, इस तरह से वो गोल टाइप का बना हुआ रहता है। तो इससे क्या होता है, कम जगह लेता है और हम लोग लोअर फ्लोर से अपर फ्लोर पे भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्क्रू का कंसेप्ट यूज होगा। वही चीज ये बता रहा है कि कम हॉरिजॉन्टल स्पेस मेरा लगता है और हम लोग जो है सो लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे जाते हैं और सर्कुलर एरिया में भी मूव करते हैं, अराउंड अराउंड सर्कल। अ स्क्रू कैन आल्सो एक्ट टू होल्ड थिंग्स टुगेदर इन सम केसेस। अब यहाँ पे मैं आपको सारा का सारा एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है सो पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आप इस स्टेयर्स को देखो ध्यान से, ये क्या है आपका, ये देखो आप लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे जा रहे हो, आप ये कह सकते हो। अपर पोजीशन लोअर पोजीशन को होल्ड किए हुए आप ये भी कह सकते हो। हम इस पे जा रहे हैं, मेरा कम हॉरिजॉन्टल प्लेस ये कवर कर रहा है, ये कह सकते हो। और ये सर्कुलर भी घूमते हुए जा रहा है तो ये भी हम लोग कह सकते हैं। ये देखो आपका जार लीड का ये इस ये वाला शेप देख रहे हो ना, ये सारा ये बल्ब का ये शेप देखो, इसका ये स्क्रू वाला ये देखो, ये सलाई रिंच जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। ये देखो ये आपका कार का है जो हम लोग लिफ्ट करने के लिए उठाते हैं कार को, जब पंचर वेंचर टायर वायर चेंज करना होता है हम लोग लिफ्ट करते हैं, जैक इसको बोलते हैं, तो ये जैक है हम लोग का। ये क्लैम्स है हम लोग का। ये स्टूल्स यहाँ पे देखो कंसेप्ट, इसको अगर थोड़ा सा आपको कम हाइट करना हो, ज्यादा हाइट करना हो तो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सारा फिगर है, फिगर से आप ज्यादा समझोगे, इसलिए मैं फिगर डाला हुआ हूँ यहाँ पे। और एक चीज और आप नोटिस करना कि ये पीपीटी आपको देखने में जितना अच्छा लग रहा है और ये कंटेंट आपको दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, उतना ही ज्यादा इस पे मेहनत भी किया जाता है। तो आप लोग बस शेयर थोड़ा सा कर दिया करो, अपने अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा बताया करो, ऐसे नहीं कि खुद आए और देख करके चले गए, काफी लोगों को चैनल के बारे में पता भी नहीं है। तो कम से कम बोलो ताकि उनका भी एग्जाम का कुछ हद तक प्रिपेरेशन अच्छा हो जाए एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो आपको ये समझ में आ गया स्क्रू के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं देखो लीवर। अब लीवर के बारे में बात कैसे करेंगे, लीवर तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 8.1 अच्छे से बताया हुआ है, पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग को लीवर का कंसेप्ट वहां से समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं व्हील और एक्सेल के बारे में। व्हील और एक्सेल आप लोग ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये चक्का है जिसको गाड़ी का चक्का बोलते हो, व्हील बोलते हो, ये है मेरा व्हील। और ध्यान से देखो इसको बोलते हैं एक्सेल, जो गाड़ी का ये जो आपका व्हील है इसके सेंटर से जो ये हॉरिजॉन्टल रॉड आपका अटैच्ड रहता है जो इस व्हील को रोटेट करवाता है, इसी को बोलते हैं एक्सेल। तो अ व्हील विथ अ रॉड कॉल्ड एन एक्सेल। देखो ये रॉड जो है ना इसको एक्सेल बोलते हैं, और ये एक्सेल क्या करता है, इस व्हील को सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। द एक्सेल इज अ रॉड, देखो यहाँ पे दैट गोज थ्रू द व्हील, है ना, ये व्हील के ये सेंटर देख रहे हो ना, यहाँ से गुजरता है ये रॉड। और एक चीज और मुझे बताओ कि एक्सेल ऐसे रोटेट करेगा तो वो कम सर्कुलर पाथ गेन करेगा, और ये आपको व्हील को जब रोटेट करवाएगा तो ये ज्यादा बड़ा सर्कुलर पाथ गेन करेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया।
अ लीवर दैट इज एबल टू रोटेट थ्रू अ कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, 360 डिग्री से ये रोटेट करेगा। द सर्कल टर्न बाय द व्हील इज मच मच ग्रेटर देन सर्कल टर्न बाय द एक्सल। यही अभी मैंने आपको बताया, और मैंने ये डिसाइड किया कि ये पीडीएफ आपको इसलिए दिया जाए कि आप लेक्चर देखने के बाद भी अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक बार देख लोगे और लीवर और सिंपल मशीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखो व्हील और एक्सल का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। कार का तो आप लोग जानते ही होंगे, कार का चक्का जो होता है दोनों और उसके बीच का ये व्हील है, ये एक्सल है। उसी तरह से ये देखो आप ये रोलर स्केट्स, इसमें देखो ये चक्का है आपका व्हील, ये व्हील और इसके बीच में ये एक्सल। उसी तरह से ये देखो आपका डोर नॉब है, यहाँ भी देखो यहाँ पे हम लोग घुमाते हैं, जब इसको खोलते हैं तो घुमाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये व्हील का काम करता है। और इसके बीच में ये देखो चाबी जो हम लोग डालते हैं, की डालते हैं, तो यहाँ पे ये पतला वाला जो अटैच्ड है ये दोनों के बीच में, वो एक्सल का काम करेगा। उसी तरह से आप गियर का देख सकते हो, ये गियर है और इसके बीच ये जो देख रहे हो ये आपका एक्सल का काम करेगा। तो ये सारा एग्जाम्पल था, मैं आपको ये सारा चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको देख करके समझ में आ जाए कि ये सिंपल मशीन का किस पार्ट में आता है। ओके चलो, पुली, पुली के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पुली आप लोगों को पता है, जैसे कि हम लोग का जो वेल होता है, जहाँ पे गांव सब में जाते होंगे विलेज वगैरह में और पानी भरते हैं हम लोग बकेट में, तो वहां पे पुली लगा हुआ रहता है। और पुली बहुत सारा जगह पे आप लोग देखे होंगे, अभी आप लोग देखोगे एग्जांपल तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपका पुली, और पुली में क्या होता है, रोप लगा हुआ रहता है। और एक दो लाइन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर एक पुली है तो मुझे फोर्स लगेगा कुछ न कुछ, और अगर हम लोग एक से ज्यादा पुली कर देंगे तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ पुली बढ़ाएंगे तो हम लोग का फोर्स जो है लगाएंगे वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लेकिन इसके इसमें क्या होता है, हम लोग को रोप थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, है ना, रोप थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। और पुली का बेस्ट यूज हम लोग जनरली करते हैं डायरेक्शन चेंज करने में भी। हम लोग जब कुआं से पानी निकालते हैं, वेल से जब हम लोग वाटर निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं और वो जो है सो बाल्टी मेरा ऊपर की तरफ आता है। आप एक एक पुली का एग्जांपल लेकर के समझो ऐसे, तो यहाँ पे मान लो लोड है, ये मान लो ये लोड है 10 kg का, और यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, आप ये नीचे खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा। तो जब सिंगल पुली होता है तो मेरा डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नेसेसरी टू डू द वर्क। और इसमें आपका रस्सी लगा हुआ रहता है, रोप लगा हुआ रहता है, और पुली की हेल्प से हम लोग का क्या होता है, वर्क रिड्यूस हो जाता है, एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। और बाकी सारा चीज आपका ये सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेना। चलो इसके आगे देखो, ये सारा चीज घर में पर्दा लगा हुआ रहता है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, पुली का कंसेप्ट। हम लोग जो झंडा फहराते हैं, फ्लैग का जो हम लोग करते हैं, रोप को हम नीचे खींचते हैं तो फ्लैग मेरा ऊपर जाता है, वहां पे मेरा पुली लगा हुआ रहता है। ये फिगर आप देखो, ये अगर कोई सामान को कोई लोड को लिफ्ट करेगा तो यहाँ पे पुली लगा हुआ रहता है यहाँ पे। ओके, पुलीज आर यूज इन विंडोज ब्लाइंड्स एंड ड्रेपरी टू मूव देम अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ। पुलीज आर ऑल्सो यूज ऑन शिप्स टू रेज एंड लोअर सेल, इन इंडस्ट्री टू रेज एंड लोअर हैवी कार्गो, और ऑन क्रेन्स फॉर यूज इन मूविंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। एलिवेटर्स ऑल्सो यूज पुलीज टू मूव द कार अप एंड डाउन फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर। तो ये सारा चीज है, तो यहाँ पे हम लोग का पुली का कंसेप्ट यूज होता है। अब आप देखो पुली कितना तरह का होता है, काफी तरह का पुली हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, सिंगल हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। तो इसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि ये सिंगल पुली है, तो सिंगल पुली से क्या समझोगे, सिंगल पुली से यही समझोगे ना कि एक ही पुली है। देखो यहाँ पे सिंगल पुली है, अब इसमें वही कंसेप्ट कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को अगर नीचे की तरफ लगाएंगे तो ये मेरा लोड ऊपर की तरफ जाएगा। तो बस दिमाग में बैठा लेना कि पुली मेरा सिंगल रहेगा तो हम लोग का जो है सो डायरेक्शन चेंज रहेगा, मतलब फोर्स हम लोग डाउनवर्ड लगाएंगे तो लोड मेरा अपवर्ड जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, आप लोग यहाँ कर सकते हो, अ सिंगल पुली रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, विथ वन पुली द फोर्स यू मस्ट पुल विथ इज द सेम एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देखो एक चीज और, कि अगर ये 10 N का मान लो फोर्स यहाँ पे वेट है इसका, तो हम लोग को भी लगाना पड़ेगा उतना ही फोर्स। और एक चीज और देखो ध्यान से, कि अगर इसको 5 m ऊपर लेके जाना होगा तो हम लोग को 5 m नीचे इसको खींचना पड़ेगा। ये सारा कंसेप्ट है आपका सिंगल पुली में, अगर इसको 5 m ऊपर ले जाना होगा तो हम लोगों को रोप को 5 m नीचे डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
कंबाइन पुली, कंबाइन पुली क्या होता है, तो बस मोर देन वन पुली होगा तो मेरा कंबाइन पुली हो जाएगा। फिगर आपके सामने है देखो, तो कंबाइन पुली में दो और दो से ज्यादा पुली मेरा एक साथ रहता है। और इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे ये फिक्स्ड है और ये आपका इस तरह से है। अगर आप यहाँ से अगर फोर्स लगा के नीचे खींचोगे तो ये रोप आपका ऐसे आएगा, ये रोप आपका छोटा होते चला जाएगा, ये आपका रोप पुली ऊपर की तरफ भागेगा और ये आपका वेट भी ऊपर की तरफ आएगा। आप देखो खींच करके, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जब आप इसको खींचोगे नीचे की तरफ तो ये वाला रस्सी छोटा हो जाएगा ना, तो ये हो सकता है ऐसे हो जाएगा और इतना डिस्टेंस जो है मेरा ये लोड ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसे समझने का कोशिश करो। तो ये है आपका कंबाइंड पुली। यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो, ये पुली मेरा फिक्स्ड है और ये पुली मेरा मूव कर रहा है। देखो ये फिक्स्ड है और ये पुली मेरा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, अलाउ अ हैवी लोड टू बी लिफ्टेड विथ लेस फोर्स। फिर से वही वाला कंसेप्ट कि एक से ज्यादा पुली लगा हुआ है तो मेरा फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देखो, याद कर लेना, कोशिश करना कि द मेन एडवांटेज ऑफ दिस पुली इज दैट द अमाउंट ऑफ एफर्ट इज लेस देन हाफ ऑफ द लोड, ठीक है। यहाँ पे अगर दो पुली हम लोग लगा दे रहे हैं तो लोड से हाफ जो होगा उससे भी कम हम लोग अपना फोर्स लगाएंगे या एफर्ट लगाएंगे। तो ये होता है कंबाइंड पुली का फायदा। तो ये होता है कंबाइंड पुली का फायदा। इसके बाद है फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली से आप लोग नाम से समझ सकते हो, फिक्स्ड पुली मतलब ये पुली मेरा फिक्स है। देखो यहाँ पे ये पुली फिक्स है, आप रोप को कितना भी ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर लो, ये पुली मेरा अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा, ये फिक्स्ड है। अब वही चीज, इसको जितना ऊपर करना होगा उतना हम लोग इसको नीचे करेंगे। तो आपका ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, डजंट चेंज द पोजीशन, मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे देखो ये आपका अप्लाइड फोर्स है ना, तो अगर हम लोग ऐसे करके फोर्स अप्लाई करते तो थोड़ा सा हमको ज्यादा लगता। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग अगर थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं तो हम लोगों को कम फोर्स लगता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड रिमेन्स द सेम एज लिफ्टिंग इट विदाउट द पुली। ये चीज मैंने आपको सिंगल पुली के केस में भी बताया था कि जब मेरा एक पुली रहता है तो जितना लोड रहता है उतना ही हम लोग को फोर्स भी लगाना पड़ता है। फिर आप बोलोगे कि सर फायदा कैसे होगा, फायदा यही होगा कि आप इसको लेकर के जो चढ़ोगे किसी पोल पर और तब यहाँ पे रखोगे, उससे तो आसान है ना कि आप खींचो और ये ऊपर चला गया, यही मेरा फायदा है यहाँ पे। द एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड पुली इज दैट यू डोंट हैव टू पुल और पुश द पुली अप एंड डाउन। पुली को हम लोगों को ऊपर या नीचे नहीं पुश करना पड़ेगा, ये ज्यादा एडवांटेज है आपका फिक्स्ड पुली के केस में। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाला पुली मेरा ऊपर नीचे भी होगा लेकिन यहाँ पे मेरा फिक्स्ड है तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से ये मूवेबल पुली है, तो मूवेबल पुली का मतलब क्या समझे आप, फिगर आप ध्यान से देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिक्स है, इसको आप जितना खींचोगे तो ये आपका ये पुली अपने आप ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये लोड आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अ पुली दैट मूव्स विथ द लोड, ये आपका हो जाएगा मूवेबल पुली। द लोड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग लोड को ऊपर की तरफ कर रहे हैं और हम लोग का फोर्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे मूवमेंट भी हम लोगों का उसी डायरेक्शन में हो रहा है। और ये सारा चीज याद नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारा चीज याद नहीं करना है कि सर कैसे समझेंगे कि फोर्स नीचे लगाएंगे तो पुली ऊपर जाएगा, फोर्स ऊपर लगाएंगे तो पुली ऊपर जाएगा, ये सारा चीज याद नहीं करना। ये सारा चीज फिगर देखो ना, खुद समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल देखो। यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाओ ना, ये रस्सी है ऐसे करके, है ऐसे करके ये फिक्स है किसी चीज से, तो अब इसको आप ऊपर खींचोगे तो ये पुली ऊपर की तरफ ही भागेगा ना, अगर ये पुली फिक्स नहीं है किसी चीज से। तो आप क्या देख रहे हो कि फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है तो मेरा ये पुली भी ऊपर की तरफ जा रहा है। हो गया कंसेप्ट क्लियर। चलो, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सपोर्टिंग रोप्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो इसके आगे बात करते हैं, एक लाइन आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ पुलीज एंड सपोर्टिंग रोप्स द स्मॉलर द फोर्स रिक्वायर्ड। और इस लाइन को आप लोग स्टार मार्क करके याद रखना, मैंने बहुत बार बताया कि अगर मेरा नंबर ऑफ पुली बढ़ जाएगा तो हम लोगों को फोर्स कम लगेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना।
न मूवेबल पुली एक्ट एज अ सेकेंड क्लास लीवर। अब देखो सेकेंड क्लास लीवर, अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मूवेबल पुली जो है सो हम लोग का सेकेंड क्लास लीवर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका जो है सो लोड जो है सो आपको फलक्रम और एफकोट के बीच में है। अब अगर आप लोग 8.1 नहीं देखे होगे ध्यान से तो आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे। आप कैसे समझोगे कि ये लोड है? आपको तो पता है कि ये लोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोड जो है सो फलक्रम और एफकोट के बीच में है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड क्लास है कि फर्स्ट क्लास है कि थर्ड क्लास? नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपको याद है कि फर्स्ट लव इज इफेक्टिव, तो लोड बीच में देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्लास, ये सेकेंड क्लास, ये थर्ड क्लास, तो एल बीच में होना चाहिए, है ना, यहाँ एल बीच में, इसीलिए ये सेकेंड क्लास है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ पुली का आप लोग एग्जांपल देख लो, अपने लोग इंडियन है इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिया का फ्लैग यूज किया है। हम लोग जब रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये मेरा फ्लैग ऊपर की तरफ जाता है, क्यों? विथ द हेल्प ऑफ पुली, यहाँ पे पुली लगा हुआ रहता है। उसी तरह से आप ये देखो, इसको ब्लाइंड्स बोलते हैं, अंधा मत समझना, इसका मतलब पर्दा भी होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग पुली का यूज करते हैं, तो रोप रहता है साइड से, उसको खींच दोगे तो ये आपका पूरा खुल जाएगा, और इधर से खींच दोगे तो ये आपका पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे पुली लगा हुआ रहता है ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ से आप खींच दो, ये आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे पुली लगा रहता है, यहाँ पे देखो पुली लगा रहता है, तो ये सारा आपका एग्जाम्पल है पुली का। फिगर देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो मेरा मेन मकसद था सिंपल मशीन क्या होता है वो बताना, और इसका जो ये 6 टाइप होता है आप लोग देख लिए सारा का सारा टाइप, और फिगर देखे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब क्या होगा कि अब मैं जब क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड पुली क्या होता है, कंबाइंड पुली क्या होता है, वेज क्या होता है, आपका सारा का सारा चीज, लीवर क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने इतना मेहनत किया था कि आपको थोड़ा सा क्वालिटी दिया जाए। और एक बात याद रखना, जो लोग बोलते हो कि सर सिलेबस लंबा जा रहा है थोड़ा सा जल्दी कवर करो, देखो भैया 25 नंबर का आपका मैथ्स है, दो दो साल तीन तीन साल पढ़ाई करते हो, और 25 नंबर का आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो ये दो क्लास में कैसे कर लोगे आप ही बताओ, और नहीं टॉप 200 और टॉप 500 में कवर हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो मैं आप लोगों को करवा चुका होता, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आराम से हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो टॉप 100 टॉप 200 हमेशा की तरह रटते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, वो सब चीज से कंसेप्ट पे फोकस करो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। PDF में भेज देता हूँ, आप लोग डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लेना। तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।